हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ चैप्टर फोर फॉर क्लास सेकेंड. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है? वर्किंग ऑफ मशीन्स. ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मशीन्स हमारी कैसे वर्क करती हैं. तीन स्टेप्स में वर्क करती हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. ठीक है, इसका इनपुट में क्या इनपुट में है? इनपुट का फुल फॉर्म होता है आई का फुल फॉर्म होता है इनपुट. ठीक है, पी का क्या होता है? प्रोसेस. और ओ का क्या होता है? आउटपुट. ठीक, यानी कि आईपीओ साइकिल पे हमारी वर्क करती है मशीन, सारी मशीनें. ठीक है, अब उसका कैसे एग्जांपल में क्या था? फर्स्ट एग्जांपल में ये था, जैसे कि ड्राई क्लोथ्स क्या हो गया? इनपुट का एग्जांपल हो गया. फिर हमने वॉशिंग मशीन में उनको डाला तो वो क्या हो गई? प्रोसेसिंग हो गई उसमें, वॉशिंग मशीन में. और इसके बाद में आउटपुट में हमारे क्लीन क्लोथ्स निकल करके आ गए. सेम वही एक और एग्जांपल से हम लोग यही चीज़ें समझेंगे, जैसे कि है फ्रेश फ्रूट. ठीक है, अब ये क्या है? फ्रेश फ्रूट क्या हो गया? इनपुट. ठीक, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको क्या कहेंगे? इनपुट. ठीक है, अब हमने ये सारे जो फ्रूट्स हैं ये हमने जूसर में डाल दिया. ठीक है, तो जूसर में क्या हो गया? फिर हम इसको चलाते हैं ना, तो वो क्या होता है? उस चीज़ को क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग. क्या कहते हैं उसको? प्रोसेसिंग. ठीक, अब प्रोसेसिंग में जब हमने प्रोसेसिंग पूरी इसकी जूसर, ये मिक्स हो गया इसके अंदर सारे जूस, तो इसके बाद में क्या हमारा आउटपुट निकल करके आया? क्या आया निकल करके? फ्रेश जूस, है ना? फ्रेश जूस निकल करके आया, तो ये क्या हो गया? हमारा आउटपुट. ठीक है, तो कंप्यूटर भी इसी टाइप से वर्क करता है. ठीक है, कंप्यूटर भी, तो ये क्या हो गया? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. यानी कि क्या हो गया? अगर हम वैसे देखें तो क्या हो गया? आई पी और ओ, आई पी ओ. ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? आईपीओ साइकिल. ठीक, यानी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. ठीक, अब इसको हम मैं मॉनिटर में करके दिखाती हूँ कि मॉनिटर में देखिए कैसे होता है. ये देखिए स्टूडेंट्स, मॉनिटर में हम लोग अब कोई भी चीज़, जैसे कि मैंने इसमें इंडिया लिखा, जैसे आई एन, तो ये हम क्या कर रहे हैं? कीबोर्ड से हम लोग इनपुट कर रहे हैं. ठीक है, कीबोर्ड से हम लोग इनपुट कर रहे हैं और ये कहाँ जा रहा है? सीपीयू में. ठीक, सीपीयू में जा रहा है और सीपीयू से आउटपुट कहाँ निकल रहा है हमारा? ये मॉनिटर पे. तो ये देखिए, आई एन डी आई ए, इंडिया. ठीक, तो इस टाइप से हमने कीबोर्ड से टाइप किया. ठीक है, ये देखिए कीबोर्ड है, ये देखिए कीबोर्ड है, यहाँ से कीबोर्ड से हमने इंडिया टाइप किया. ठीक है, ये अल्फ़ाबेट कीज़ हैं, हमने यहाँ से इंडिया टाइप किया. और इसके बाद में यहाँ, जब हमने यहाँ पे कीबोर्ड का बटन, हम कोई भी बटन यहाँ पे प्रेस करते हैं, तो वो क्या होता है? वो उसका जो आउटपुट होता है वो मॉनिटर में हमें शो होता है. ओके, तो इसी तरह से ये देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कीबोर्ड से टाइप किया था तो हमारे मॉनिटर में ये शो हो गया. ठीक, थैंक यू.